वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 इन हिंदी वीडियो। बच्चों आज हम आपको आमोदनी पुस्तक के पाठ नंबर 15 का वीडियो बना कर देंगे। आपका पाठ नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुका है। पाठ नंबर 15 पाठ का नाम है नन्हे पौधे। ये एक एकांकी रूप में ये पाठ है आपका, जो एक नाटिका के रूप में है। देखिए इसमें प्रकृति को बुरा भला कहने से पहले हमें अपने आप को संतुलित करना है, अपना कर्तव्य पूरा करना है, ठीक है। इस पाठ में ये बताया गया है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पाठ को समझते हैं, पढ़ते हैं। इसमें पाठ जो है पूरा संवाद के रूप में है, एकांकी हमने आपको बताया। तो इसमें जो पात्र हैं वो एक स्त्री और एक पुरुष है, उसके दो बच्चे हैं मुन्ना और मुन्नी, और चार अन्य लड़के हैं जो मुन्ना मुन्नी के साथ खेलते हैं। एक का नाम है अहमद, गोखले, सुब्बा राव और चौधरी, ये चार और लड़के हैं। तो मंच सूना मंच बाहर से एक स्त्री आती है, किनारे नन्हा पौधा उगा देखकर रुक जाती है, गुस्से से उसे देखती है, फिर उसे उखाड़ कर फेंक देना चाहती है, पर संभव नहीं होता। वह पुकारती है, उसने देखा उसकी ज़मीन में एक पौधा उगा हुआ है, उस पौधे को वो उखाड़ कर फेंकना चाहती है लेकिन वो नहीं फेंक पाती है। और फिर वह अपने पति को पुकारती है, पति को कहती है, अरे सुनते हो जी, देखो यहाँ किसी ने क्या कर दिया, हमारी ज़मीन का सत्यानाश, देखो किसने की है यह बदमाशी। पुरुष भीतर से निकल कर आता है, स्त्री, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने। पुरुष ने कहा, अरे बच्चों ने खेल किया होगा, इतना नन्हा सा पौधा तो है। स्त्री कहती है, नहीं नहीं उखाड़ फेंक दो, खौमखाह बखेड़ा करेंगे लोग। फिर पुरुष कहता है, अपने बच्चे भी तो यहीं खेलते हैं। तो स्त्री बोलती है, सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं हमारे बच्चों के, एक इतल दुतल, दूसरे आमी जामी, उखाड़ कर फेंक दो ना। कहने का तात्पर्य था स्त्री का कि पुरुष पैद से कहती है वो कि इसे उखाड़ कर फेंको, क्योंकि जो और बच्चे आते हैं यहाँ खेलने उनकी भाषा ऐसी उल्टी पुल्टी सी है, उल्टा सीधा बोलते हैं, जो हमारे बच्चों का भी संस्कार खराब हो रहा है। पुरुष क्या करता है, उसे उखाड़ के फेंकने की कोशिश करता है पर उखाड़ नहीं पाता। अरे यह तो उखड़ता ही नहीं, यह है क्या चीज, यही तो कहती थी, उन्हीं लड़कों की करामात है। स्त्री कहती है, मैं यही तो कह रही थी कि ये उन्हीं लड़कों का करामात है, उन्होंने जाने क्या यहाँ पे लगा दिया है। पुरुष, न जाने कैसा पौधा है। स्त्री, यह अपनी तरफ का नहीं है, वो जहाँ के रहने वाले थे वो कहती है कि ये हमारे साइड का पौधा नहीं है। पुरुष, आओ हम दोनों मिलकर उखाड़ें। दोनों मिलकर उखाड़ने का प्रयत्न करते हैं, गिर गिर पड़ते हैं। जब वो गिर गिर पड़ते हैं तो उनके दोनों बच्चे भीतर से मुन्ना और मुन्नी हंसने लगते हैं। स्त्री, यह क्या तमाशा है, गुस्सा करती है बच्चों पर। पुरुष कहता है, यह कैसा पौधा है, किसने लगाया यहाँ। पुरुष, बोलते क्यों नहीं, वो अपने बच्चे को डांटते हुए कहता है कि बोल क्यों नहीं रहे हो, किसने लगाया है। तब उनका बेटा कहता है, मुन्ना, हमने लगाया है पिताजी। स्त्री, हमने मतलब, हमने का मतलब कई लोग होंगे। तो स्त्री ने पूछा कि हमने का मतलब, तो उसने बताया, मुन्ने ने, अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी और हमने, मतलब ये चार लड़के और हम दोनों ने मिलकर ये लगाया है। तब पुरुष कहता है, तुम्हें पता है यह ज़मीन हमारी है, इसके मालिक हम हैं, अहमद, गोखले, सुब्बा राव, चौधरी के माँ बाप किसी भी दिन कह सकते हैं कि यह पेड़ उनका है, इसलिए यह ज़मीन उनकी है। तो मुन्ना कहता है, नहीं नहीं हमने खेल किया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुन्नी कहती है, कल हम सब ने एक पेड़ का खेल खेला था, पेड़ पेड़ भाई भाई, पेड़ पेड़ भाई भाई। फिर मुन्ना कहता है, पेड़ पर बैठा तोता भाई। मुन्नी कहती, तोता भाई, आम गिराओ हम और तुम ही खाई, दोनों झूठ मूठ की दुल्हन लाओ पेड़ तले बैठाई। दोनों प्रसन्नता से गाते हुए दौड़ने लगते हैं, माता पिता उन्हें चुप करने के लिए, पकड़ने के लिए दौड़ते हैं पर वे दोनों भाग जाते हैं। ठीक है, देखिए फिर क्या होता है। पुरुष कहता है, ठीक है जाने दो, बच्चे ने खेल किया है, याद है तुम्हें, सुब्बा राव ने एक दिन यहाँ समुद्र बनाया था और उसके तट पर वह मंदिर जिसका नाम रखा था मीनाक्षी,
कि पुरुष कहता है कि एक दिन खेल खेल में सुब्बा राम ने यहाँ समुद्र बनाया था और उसके किनारे एक टेम्पल बनाया था, मंदिर बनाया था, जिसका नाम उसने मीनाक्षी टेम्पल रखा था। स्त्री कहती है, बस बस रहने दो, अपनी गोखले ने यहाँ गणेश की तस्वीर खींची थी, उसी दिन मुझे बुरा लगा था। कौन मुँह लगने जाए इन गुजराती, मराठी, साउथ इंडियन और बंगालियों से। तो पुरुष कहता है, अच्छा बस, माली से कहकर इसे ख़त्म करा देंगे। वो कहता है, अच्छा बस करो, चुप रहो, माली से कहकर इसे हम उखड़वा देंगे। तो फिर स्त्री कहती है, अरे यह तो बढ़ रहा है। अरे, पुरुष कहता है, सचमुच बढ़ रहा है, यह किसका पौधा है? मुन्ना और मुन्नी पता नहीं कहाँ गए दोनों। फिर पुरुष कहता है, वो रहा बंगाली का छोकरा, सबसे ज़्यादा बदमाश और चौधरी, वो मौनी चौधरी। चौधरी आता है, वो चौधरी जो लड़का था वो आता है, वो नमस्कार करता है किसको? मुन्ना के पिता को, पुरुष को। पुरुष, क्या नमस्कार, यहाँ यह पौधा किसने लगाया? वो नमस्कार तो लेता नहीं है और उस पर गुस्सा करता है कि ये पौधा किसने लगाया। तो चौधरी कहता है, हमने ही लगाया है, हम सब गांच खेल रहे थे, यह जमीन के भीतर से अपने आप से निकल आया, अब संभालो और खेलने दो दुनिया के सारे उल जलूल लड़कों को अपने अहाते में। क्यों रे, जमीन के भीतर से अपने आप कैसे निकल आया? झूठ बोलता है। किसने कहा? पुरुष ने। स्त्री कहती है, झूठ बोलता है। चौधरी, अरे क्या कह रहा है चौधरी? अरे पौधा जमीन के भीतर से नहीं निकलता क्या? सही बात है, पौधा जमीन के भीतर से ही निकलता है। हाँ, निकलता तो है, पर तुम लोगों ने अपने हाथों से लगाया है, पुरुष ने कहा। फिर चौधरी कहता है, इस पौधे के बारे में हम सब ने मिलकर एक स्वप्न देखा था। वो पुरुष को बताता है कि हमने इस पौधे के बारे में एक स्वप्न देखा है। तो फिर क्या होता है, स्त्री डर जाती है, हाय राम, तो सबने मिलकर साजिश की है हमारी जमीन हड़पने की। वो कहती है, इन्होंने साजिश की है हमारी जमीन हड़पने के लिए। फिर चौधरी कहता है, नहीं नहीं, हम सब यहाँ खेलते हैं, खबरदार, अब यहाँ कोई नहीं खेलेगा, लाओ फावड़ा, इसे खोद कर फेंक दो। स्त्री कहती है, चौधरी, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए। पुरुष भागता है कि पुरुष दौड़ता है तो चौधरी भाग जाता है। पुरुष गुस्सा करके भागता है कि उसके पकड़ने के लिए दौड़ता है, वह चौधरी भाग जाता है, वह लड़का भाग जाता है। रुको, मैं एक रस्सी लाता हूँ, इसे बांध कर हम दोनों खींच कर उखाड़ देंगे। तभी पुरुष कहता है कि रुक जाओ, एक रस्सी लाता हूँ और इसे उसमें बांध के और खींचेंगे तो ये उखड़ जाएगा, इसे उखाड़ देंगे। रस्सी लाता है, पौधे में बांधता है, स्त्री पुरुष मिलकर रस्सी खींचते हैं। सारे बच्चे, अहमद गोखले, सुब्बा राव, मुन्ना मुन्नी व चौधरी मंच के किनारे से दौड़ते हुए आते हैं। ये सारे बच्चे दौड़ कर आते हैं, पकड़ लो पुरुष, पुरुष कहता है, पकड़ लो इन्हें। दोनों बच्चों को पकड़ना चाहते हैं, बच्चे मंच पर चारों ओर दौड़ते हैं। वो बच्चों को पकड़ना चाहते हैं लेकिन बच्चे क्या करते हैं, मंच के चारों ओर दौड़ने लगते हैं। क्या गाते हैं देखिए, सुब्बा राव कहता है, यह पौधा हमारा है, यह पौधा हमारा है। अहमद कहता है, यह हमें छाया देगा गोखले, हम इसके साथ खेलेंगे। चौधरी, यह हमारा सपना है। मुन्ना, हम सब मिलकर खेलेंगे। मुन्नी, यह कितना सुंदर है। पुरुष, हम इसे फावड़े से खोद डालेंगे। हम, स्त्री कहती, हम इसे यहाँ नहीं रहने देंगे। पुरुष फावड़ा लाता है, पौधे को खोदना शुरू करता है, बच्चे फिर हंसना शुरू कर देते हैं। पुरुष, पता नहीं कितनी गहरी जड़ है इसकी। स्त्री, सब इन लोगों की बदमाशी है, भागते हो या नहीं यहाँ से? सुब्बा राव, हम यहाँ खेलते हैं। मुन्ना, पिताजी हमारा पौधा मत खोदिए। मुन्नी कहती, हम सब मिलकर यहाँ खेलते हैं। स्त्री, मैंने कितनी बार कहा है, अपने लोगों के साथ खेलो। मुन्ना, यह सब क्या कह रहे हैं आप, आपकी यह बात हमारी समझ में नहीं आती। अहमद, नहीं नहीं, हमारे पौधे को मत तोड़िए। पुरुष कहता, अरे यह तो टूटता ही नहीं। स्त्री, यह कहाँ का है, इसका क्या नाम है? इसका कोई नाम नहीं है, हमारा दोस्त है यह, मुन्नी कहती है। चौधरी, यह हमें कहानियाँ सुनाता है। अहमद, हम सब मिलकर इसके साथ साथ खाते पीते हैं। सुब्बा राव, हम, यह हमसे बातें करता है।
या हमारी भाषा समझता है। मुन्ना, हम इसकी भाषा समझते हैं। क्या है इसकी भाषा, हम भी तो सुने। सारे बच्चे गा गा कर खेलना शुरू करते हैं। सारे बच्चे गा गा कर खेलना शुरू करते हैं। क्या गा रहे हैं देखिए, पेड़ पेड़ भाई भाई, हम सब इसके भाई, पेड़ पर बैठा तोता तोता भाई, आम गिराओ हम और तुम्हें खाई, झूठ मूठ की दुल्हन लाओ पेड़ तरे बैठाई। स्त्री, अरे यह हमारी तरफ का खेल गाना है, हम भी अपने बचपन में यही खेलते थे। तुम सब एक दूसरे की भाषा समझते हो, स्त्री उनसे पूछती है। तो वो कहते हैं नहीं। स्त्री कहती है फिर यह पौधा क्या है, सब कहते हैं हम हैं, हमारा सपना है। स्त्री, क्या तुम लोग इस पौधे को यहाँ से उखाड़ सकते हो। हाँ। मुन्ना, हमारे कहते ही यह पौधा हमारे हाथ में आ जाएगा, यह हमें प्यार करता है, हम इसे प्यार करते हैं। अच्छा चलो उखाड़ो। पुरुष कहता है फिर कि अच्छा चलो उखाड़ो, देखें तो भला। स्त्री कहती है फिर। मुन्नी बढ़कर पौधे को उखाड़ कर अपने हाथ में ले लेती है। बच्चे प्रसन्न है, मुन्नी आगे बढ़ के उसे उखाड़ के अपने हाथ में ले लेती है। स्त्री कहती है अरे यह कैसे संभव हुआ मुन्नी। तो मुन्नी कहती है यह कैसा चमत्कार। पुरुष कहता है यह कैसा चमत्कार है, हमसे हम इसे टस से मस नहीं कर पाए, इसका कुछ भी ना बिगाड़ सके। बच्चे पौधे की चारों ओर नाचते हुए गाने लगते हैं। यह पौधा सपना है, यह पौधा अपना है, नए तन मन का नए जनगण का, यह पौधा सबका है यह पौधा उनका है, बंधे जो एक डोर में जागते नए भोर में, यह पौधा सपना है यह पौधा अपना है, पौधों को लिए हुए बच्चे गाने लगते हैं। स्त्री, मुन्नी फिर से लगा दो इस पौधे को यहीं। पुरुष, आओ यहीं खेलो। बच्चों के पास आते हैं। स्त्री कहती मुझे दो जरा मैं देखूं। पुरुष कहता है कितना खूबसूरत है। स्त्री कहती है बच्चों की तरह हंस रहा है, हम सबको निहार रहा है। स्त्री कहती है मैं इसे यहीं अपने हाथों से लगाऊंगी। वहीं जमीन में पौधा लगा देती है और सारे बच्चे के साथ स्त्री पुरुष उस पौधे के चारों ओर नाचने गाने लगते हैं। यह पौधा सपना है यह पौधा अपना है, और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमें ये बताया गया है कि हमें अपने पर्यावरण का पूरा ध्यान रखना चाहिए। प्राकृतिक संतुलन पृथ्वी पर जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। और इसके साथ ही इस पाठ में आपने देखा कि पौधे भी जीवित हैं, ये आपको प्रमाण मिल गया। कैसे वह स्त्री और पुरुष उसको क्रोध भाव से उखाड़ना चाह रहे थे, उनसे नहीं उखड़ा, और उन बच्चों ने प्यार से लगाया था तो केवल मुन्नी ने उसे धीरे से पकड़ा तो वो उसके हाथ में आ गया। कहने का तात्पर्य है पेड़ पौधों में भी जान होती है और ये भी हमारे प्रेम को समझते हैं। अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं। ये शब्दार्थ हैं आपके, शब्दार्थ आप स्वयं लर्न करेंगे। अब पहले हम लोग रिक्त स्थान से शुरू करेंगे। सही शब्द से रिक्त स्थान भरिए। मैं एक रस्सी लाता हूँ, यहाँ पे रस्सी भरना है आपको। फिर दूसरा है यह पौधा हमारा है, हम सब यहाँ पे मिलकर भरेंगे। और इसके के बाद दोस्त हम हैं, यहाँ पे बच्चों दोस्त आ जाएगा। फिर सही में सही का उत्तर लगाना है। जमीन में क्या देख स्त्री रुक जाती है, पौधा, पौधा के सामने टिक कर दीजिए। सुब्बा राव ने मंदिर का क्या नाम रखा था, तो यहाँ पे मीनाक्षी टेम्पल आएगा। और थर्ड में सब लोग अंत में क्या करने लगते हैं, नाचते हैं। फिर फोर्थ में है यह पौधा हमारा किसने कहा था, मुन्ना ने। ये मुन्ना पर आप टिक कर देंगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। नेक्स्ट पेज में हमें सही और गलत बताना है बच्चों। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए आपका, देखो यहाँ पेड़ लगा दिया किसी ने, ये सही है, ये स्त्री ने कहा था। फिर सेकेंड सेंटेंस है बच्चों, अरे यह तो तुरंत उखड़ गया, ये गलत है। सारी भाषा और संस्कार चौपट हो रहे हैं, ये सही है, स्त्री ने कहा था। और फिर फोर्थ नंबर पे देखिए, कल हम सब ने मदारी का एक खेल खेला था, गलत है,
मदारी का नहीं था, पेड़ का खेल खेला था। फिर इसके बाद यह पौधा हमारा है, ये भी सही है। अब आप आ जाइए भाषा बोध पर। हमें विशेषण बनाना है, जीवन से जीवनी, पुस्तक पुस्तकीय, प्रकृत प्राकृतिक, पर्वत पर्वतीय, राष्ट्र राष्ट्रीय, घर घरेलू, ये आपका हो गया। नेक्स्ट है पर्यायवाची लिखना है, अर्क सूर्य और सूरज, रस जूस और प्रेम, हस्त हाथ कर, वर वरदान उत्तम, और जलज पंकज नीरज, मधु शहद रसा। ये बच्चों आपको वाक्य प्रयोग करने हैं, ये एक से मीनिंग प्रतीत होने वाले हैं, लेकिन इसमें बहुत माइनर वो होता है, क्या होता है, भिन्नता होती है इनके अर्थ में। तो पहला है नाप, दूसरा है माप, ज़्यादातर लोग एक अर्थ में प्रयोग कर लेते हैं, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा चेंज होता है। तो जैसे देखिए नाप, नाप को हम ऐसे वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जमीन, इस जमीन की नाप 100 मीटर है। नाप माने किसी चीज़ को इंची टेप से या किसी चीज़ से नापना, ठीक है। तो इस जमीन की नाप 100 मीटर है, ये इसका वाक्य हो जाएगा। माप का है, कुछ भी खरीदने से पहले अच्छी तरह माप तोल कर लेना चाहिए, कुछ भी खरीदने से पहले उसको अच्छी तरह से माप तोल कर लेना चाहिए। अब दूसरा है अपराध और पाप। अपराध जो हम सरकारी कानून के विरुद्ध कार्य करते हैं वो अपराध होता है, और जो नैतिक नियमों के विरुद्ध होता है वो पाप होता है। तो देखिए अपराध में रामू ने यातायात के कानून तोड़ने का अपराध किया है, और पाप में आएगा नैतिकता के विरुद्ध कार्य करना ही पाप है, ये पाप में आ गया। अब फिर है कलंक। रमेश पर बिना चोरों की चोरी के कलंक लग गया। और दूसरा है निंदा। दूसरों की बुराई करना ही निंदा कहलाता है। फिर है पवन। पवन का पर्यायवाची वायु है। पवन का पर्यायवाची क्या है? वायु है। और पावन, पावन गंगा में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। ये आपका वाक्य हो गया बच्चों। अब यहाँ पर हम पहुँचते हैं मौखिक पे। मौखिक में एक तो शुद्ध उच्चारण का दिया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे आप देखिए। अच्छा यहीं तक है ये आपका पाठ पूरा होता है। इसमें अब हम लोग प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। चलिए लिखित प्रश्न ये है आपका, लिखित प्रश्न पे आ जाइए। स्त्री पौधे को लगा देखकर गुस्सा क्यों करती है? क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ इस ज़मीन पर लोग अपना हक जताने आ जाएंगे या उसकी ज़मीन हड़प लेंगे। फिर ख, स्त्री और पुरुष दोनों ने मिलकर पौधा को हटाने के लिए क्या किया? किया यहाँ पे देखिए आप, स्त्री और पुरुष ने पौधे को उखाड़ने के लिए दोनों ने मिलकर, और फिर उसको उखाड़ने के लिए उन्होंने रस्सी और फावड़े का भी प्रयोग किया। उन्होंने उसे उखाड़ने के लिए रस्सी से और फावड़े से भी कोशिश की, लेकिन पौधा नहीं उखाड़ सके। मुन्ना व मुन्नी कौन सा गीत गाकर स्त्री और पुरुष को सुनाते थे? यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला गीत है, ये पेड़ पेड़ भाई भाई। मुन्ना और मुन्नी कौन सा की जगह ही आ जाएगा, ये आप पिंक कलर में देखिए। पेड़ पेड़ भाई भाई हम सब इसके भाई, पेड़ पर बैठा तोता तोता भाई, आम गिराओ हम और तुम्हें खाई, झूठ मूठ की दुल्हन लाओ पेड़ तले बैठा, ये वाला गाना ठीक है गाकर स्त्री पुरुष को सुनाते हैं। अब आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों देखिए, बच्चों के नाम क्या थे? बच्चों के नाम थे मुन्ना मुन्नी और अहमद गोखले सुब्बाराव चौधरी। अहमद गोखले सुब्बाराव चौधरी, ये मुन्ना और मुन्नी ये बच्चों के नाम थे। वह किस जाति से संबंध रखते थे? अहमद मुस्लिम था, गोखले मराठी था, सुब्बाराव गुजराती था, और चौधरी जो था वो साउथ इंडियन था।
इस प्रकार से चारों बच्चों के स्थान का नाम है, ये जाति का नाम है ये। फिर अहमद मुस्लिम है कह सकते हैं हम, गोखले को हम बंगाली, सुब्बा राव गुजराती और चौधरी जो था साउथ इंडियन, इस तरह से आप इनको लिख देंगे। साउथ इंडियन से संबंध रखते थे, ऐसे हो जाएगा आंसर। अब आंसर नंबर 5 बच्चों, पौधा किस प्रकार उगा था, स्त्री और पुरुष का मन किस प्रकार बदल गया। पौधा अपने आप उगाया था, पौधा अपने आप वहाँ उगाया था। स्त्री और पुरुष का मन इसलिए बदल गया, उन्होंने देखा कि पौधा भी प्यार चाहता है और मुन्नी ने प्यार से उसे अपने हाथ में ले लिया, जबकि स्त्री पुरुष ने बुरे भाव से उसे बार बार उखाड़ना चाहा, नफरत से तो नहीं उखड़ा। इसलिए उन्हें पौधे का महत्व पता चला और पर्यावरण के लिए